हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। यूपी एनएचएम की 17,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चर वैकेंसी आ चुकी है। डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। उस वीडियो पर सबसे बड़ा सवाल आया है कि इस वैकेंसी में यहाँ पे जो 90% और 10% का फीमेल और मेल का जो रिजर्वेशन है, ये किस किस वैकेंसी के लिए, यानी किस किस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन है, और ये रिजर्वेशन है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 90/10 का रिजर्वेशन है फीमेल मेल का वो होने वाला है। तो पूरा क्लेरिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कहीं पे भी आपको भ्रमित नहीं होना है, पूरा वीडियो देख लेना है ताकि सारी बात आपके समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अपने कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे, सारी बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे करेंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और इस नोटिफिकेशन को आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट दी गई है, इसके नीचे देखो नोट है, इसमें 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ये जो 3 नंबर नोट है ये आपको पढ़ लेना है। देखो, ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनम पोजीशन, यानी एनएम की जो वैकेंसी है, एनएम की जो पोस्ट है, उसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि एनएम का जो कोर्स है वो सिर्फ फीमेल ही कर सकती है। तो ये सारी पोस्ट है वो फीमेल के लिए हो गई है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो द गवर्नमेंट ऑफ यूपी गजेटेड नंबर 622/5/8/2016 11/2/2016, ये यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का कोई गजट है वो छपा है 11/2/2016 को। इस गजट के अनुसार वेयर इन 90% एंड 10% वैकेंसीज हैज बीन ईयर मार्क फॉर फीमेल एंड मेल कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली शेल बी अप्लीकेबल फॉर स्टाफ नर्स पोजीशन। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का जो गजट है 11/2/2016 को यहाँ पे प्रकाशित हुआ, उसके अनुसार जो 90% और 10% फीमेल और मेल के लिए पोस्टों का ईयर मार्क यानी निर्धारण किया गया है, ये सिर्फ स्टाफ नर्स की पोजीशन यानी स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए किया गया है। एएनएम की वैकेंसी है, एएनएम के कैंडिडेट्स एएनएम है, वो ही यहाँ पे लड़कियाँ हैं, वही एएनएम का कोर्स करती है, कोई दिक्कत नहीं है। लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट है, उसमें मेल फीमेल का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन जो स्टाफ नर्स की पोजीशन है, सभी यहाँ पे जो कैटेगरी है, सभी प्रोग्राम है, उन सब में जितनी भी पोस्ट है उसमें 90% है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निर्धारित की गई है। साफ साफ लिखा है 10% है वो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित की गई है। तो लगभग यहाँ पे स्टाफ नर्स की है वो 10,000 वैकेंसी है, उसमें से 90% यानी 9,000 जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, 1,000 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे है। तो यूपी एनएचएम की जो 17,000 की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, उसमें स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, पोजीशन है, वैकेंसी है, उसमें 90% पोस्ट फीमेल के लिए, 10% मेल के लिए निर्धारित की गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूपी सरकार का जो गजट ये दिखाई दे रहा है इस नोटिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, ये वीडियो में बताया गया पूरा सच है। ये बातें इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, किसी हवा हवाई की बातों में आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में इस वैकेंसी या नर्सिंग से संबंधित और कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट लेकर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड।